हेलो दोस्तों, राम राम। सोनम्स किचन से में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पहाड़ी मछली। तो यह है पहाड़ की नदी की मछली। तो यह है बिल्कुल एकदम फ्रेश, ताज़ी ताज़ी मछलियाँ। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, मेरे साथ एंड तक बने रहना। तो मैं दिखाऊंगी आपको कैसे बनाते हैं मछली। तो यह है मछली। तो इसको पहले साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको पेट फाड़ेंगे तो इसके अंदर से सारा जो भी होता है सारा गंदगी हम निकाल देंगे। तो इसका एक भी कण अंदर नहीं छूटना चाहिए। तो ये कड़वा होता है बहुत, तो हमारा सारा ये मछली ख़राब हो जाएगी। अगर इसके अंदर कुछ भी रह गया तो इसको हम बिल्कुल साफ़ करेंगे। तो हमने सारी मछलियों को अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। तो इसमें डालेंगे हम एक चम्मच हल्दी पाउडर और इसमें डालेंगे हम नींबू का रस। तो हम नींबू को अच्छे से इसमें निचोड़ लेंगे और जो हमारी हल्दी है और नींबू है तो हम इसको अच्छे से साथ में मिक्स कर लेंगे ताकि इसका अंदर तक भी हल्दी और नींबू का रस हर एक कोने कोने में चले जाए। तो इसके लिए हम इसको अच्छे से मिला देते हैं। तो हम बनाएंगे इसका स्पेशल मसाला। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जीरा, साबुत जीरा, हरी मिर्च और खूब सारी लहसुन की कलियाँ और ये लिया हमने साबुत धनिया। तो ये लिया साबुत धनिया को भी हम सबको मिक्स करेंगे और इनको सबको सिलबट्टे में अच्छे से हम पीस लेंगे। तो इसका स्वाद ही अलग होता है। अगर किसी भी चीज़ में इसका इस मसाले को डालेंगे तो इसका स्वाद ही अलग होता है। तो गढ़वाल में ज़्यादातर कुछ भी अलग स्पेशल बनाते हैं तो सिलबट्टे में मसाले को पीसते हैं। तो इसको हम धीरे धीरे पानी डालेंगे और इसका एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बना देंगे। तो ये हमारे देखो मसाले पीस चुके हैं। तो ये देखो धीरे धीरे करके इनको सारे उठा लेंगे एक साथ इकट्ठे करके और इसमें सबको हमने उठा के कटोरी में रख दिया है। तो हमारा अब ये जो हम हल्दी और नींबू डाला था वो पूरा मच्छी के हर एक पीस के अंदर चले गया है। अब हमने लिए यहाँ पे 5 प्याज। तो अपने हिसाब से जितने भी आपके मच्छी हो उस हिसाब से आप मसाला बना सकते हैं। तो प्याज को अच्छे से बारीक कट कर लेंगे। तो अगर बारीक काटेंगे तो इसका मसाला भी तरी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए हम सारे प्याज इसी तरह से काट लेंगे। तो हमने डाल दिया है तेल और इसमें डाला है खूब सारा जीरा, तेज़पत्ता और काली मिर्च, लौंग और उसके बाद जो हमने प्याज काटा हुआ था प्याज को डाल के अच्छे से हम इसको फ्राई कर देंगे। जो हमारा प्याज अच्छे से सुनहरा भूरा हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर और टमाटर डाल के भी हम इसको मिक्स कर देंगे। टमाटर डाला है तो नमक तो डालना पड़ेगा। नमक डाल के टमाटर जल्दी गल जाते हैं। तो अब हम डालेंगे जो हमने मसाला तैयार किया हुआ था। तो इसमें हमने मिर्च, लहसुन सब कुछ डाल रखा है, जीरा। तो ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से पूरे मसाले को और टमाटरों को पका लेंगे। तो ये देखो हमारे टमाटर भी गल चुके हैं और मसाला भी पक चुका है, तेल ने कढ़ाई छोड़ दी है। तो अब हम डालेंगे इसमें उबला हुआ पानी। तो पानी हमें अपने हिसाब से डालना है, जिस हिसाब से हमें पानी चाहिए हो। अगर चावल के लिए चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा पानी लगेगा और रोटी के लिए थोड़ा कम। तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। अब डाल देते हैं, पानी उबल गया है हमारा। तो अब डाल देते हैं हमारी मच्छियाँ। तो इसको हम सारे को एक साथ इसमें डाल देते हैं। मच्छी पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाती है, ये बहुत जल्दी गलती है। तो इसलिए सारा मसाला पहले से तैयार करके पानी उबाल करके रख लिया हमने और बस अपने मच्छी सारी इसमें डाल दी है। तो हमारे देखो
उबल चुका है बहुत अच्छे से, कलर भी आ गया है। तो ये हमारी मच्छी बनके रेडी हो गई है, तो खाने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये है हमारे, ये बना दी हमने मच्छी। तो हमारी मच्छी बिल्कुल एकदम से रेडी हो गई है। आप इसको चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ ज़्यादा जब मच्छी बनती है तो चावल के साथ ही ज़्यादा खाई जाती है। तो मैंने यहाँ पे थाली में ले लिए हैं चावल और ये हमारी मच्छी। ये बनके तैयार हो गई हमारी मच्छी और भात। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? तो ये बन गई हमारी मच्छी और भात। तो ये है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।